company account, CA foundation. Chapter 10, unit 3. Share and debenture. Basically, second unit, humne issue of shares, forfeiture of the shares, pro rata, वो सब कंसेप्ट लर्न किए हुए हैं. आज हम यूनिट 3 इश्यू ऑफ डिबेंचर उसका फर्स्ट लेक्चर स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 11 स्टैंडर्ड से लर्न करते आते हैं शेयर एंड डिबेंचर. आपको मालूम ही है, कुछ नया नहीं है इसमें. आपको क्या मालूम है? शेयर होल्डर है वो ओनर है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है, डिबेंचर होल्डर के पास नहीं है. डिबेंचर का इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, डिबेंचर का इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी है, डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. शेयर का डिविडेंड प्रॉफिट है कोई देना है, डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट है, वो कम ज्यादा होता रहता है, इसीलिए हम उसको वेरिएबल बोलते हैं. ये बेसिक कंसेप्ट का डिफरेंस का वीडियो आज हम देख रहे हैं. सबसे पहले देखो डिफरेंस यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स. फर्स्ट डिफरेंस इज व्हाट? डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स है एंड शेयर होल्डर्स है वो ओनर है. इसीलिए जो रिस्क है वो शेयर होल्डर्स का ज्यादा है. डिबेंचर्स एंड शेयर का डिफरेंस है, डिबेंचर होल्डर्स है वो क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर्स है वो ओनर्स है. देखो डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं है, इसलिए डिबेंचर ज्यादा इश्यू करने से कंट्रोलिंग राइट ओनरशिप राइट किसी के पास जाता नहीं है. शेयर होल्डर्स में वोटिंग राइट है, शेयर होल्डर्स मीटिंग में जाके आइसक्रीम खा के वोट दे सकते हैं, इसीलिए कंट्रोलिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स बिजनेस का दूसरे के पास चला जा सकता है. नो वोटिंग राइट इन डिबेंचर, इनसे देयर आर वोटिंग राइट. डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है, प्रॉफिट और लॉस दोनों में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना पड़ता है और फिक्स रेट से पे करना पड़ता है. शेयर में प्रॉफिट है तो ही आपको डिविडेंड देना होता है. फिक्स रेट इन डिबेंचर, वेरिएबल इन शेयर्स. देखो डिबेंचर इश्यू करने से आपके शेयर पे टैक्स बर्डन कम होगा. क्यों? डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको पीएनएल में डेबिट कर सकते हो, वो आपका एक्सपेंस ट्रीट होता है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. व्हाट? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. एंड शेयर होल्डर्स का डिविडेंड इट इज नॉट चार्ज, इट इज ए एप्रोप्रिएशन. व्हाट? इट इज ए एप्रोप्रिएशन. उसका मतलब पहले इंटरेस्ट लेस करके बाद में आपको डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने के बाद टैक्स पे करना है, बाद में डिविडेंड लिखना है. टैक्स काउंट करने के टाइम इंटरेस्ट लेस हो जाता है, आफ्टर इंटरेस्ट के फिगर पे टैक्स लगता है. टैक्स लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बनता है ना उसमें से डिविडेंड दिया जाता है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे डिविडेंड दिया जाता है, इसीलिए उसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं. टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं. सिक्योरिटी दो तरीके की होती है, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज. फिक्स चार्ज यानी अगेंस्ट स्पेसिफिक असेट्स लाइक अगेंस्ट बिल्डिंग, अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी, व्हाइल फ्लोटिंग चार्ज अगेंस्ट द होल बिजनेस. फ्लोटिंग चार्ज अगेंस्ट द होल बिजनेस. सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड रिडीमेबल इनरिडीमेबल, सर्टेन इयर्स के बाद सर्टेन पीरियड के बाद जिसको वापिस दे देते हैं उसको बोलते हैं रिडीमेबल, जो वापिस नहीं देना है उसको बोलते हैं इनरिडीमेबल. कन्वर्टिबल, डिबेंचर का कन्वर्जन सेम में हो जाता है. नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर डिबेंचर ही रहते हैं. एंड रजिस्टर्ड एंड बेरर, दूसरे बंदे को देने के लिए कंपनी को बताना पड़ता है, ट्रांसफर डेट भरना पड़ता है, दैट इज रजिस्टर्ड. जो सिर्फ डिलीवरी से दूसरे को दे सकते हैं दैट इज ए बेरर.
और इक्विडिस्टेंट और इक्विडिस्टेंट प्रेफरेंस शेयर, शेयर में दो ही टाइप्स है, प्रेफरेंस यानी जिसको डिविडेंड के पेमेंट में और लिक्विडेशन के टाइम कैपिटल के रीपेमेंट में पहले दिया जाता है, दैट विल बी प्रेफरेंस। सो डिबेंचर के टाइप है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल इनरिडीमेबल, रजिस्टर्ड बेयरर एंड कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, व्हाइल सेम में इक्विटी एंड प्रेफरेंस। डिबेंचर बैलेंस शीट में कहां पे दिखाओगे? डिबेंचर बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाओगे, जब शेयर है वो शेयरहोल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल में दिखाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शेयरहोल्डर्स फंड। डिबेंचर का कन्वर्जन शेयर में हो सकता है, शेयर का कन्वर्जन डिबेंचर में नहीं, इसीलिए डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, शेयर नॉट इन अदर टाइप्स ऑफ शेयर। आपको मालूम है डिबेंचर के कोई कॉल पे नहीं करेगा ना, डिबेंचर जब इंस्टॉलमेंट से मंगवाते हो डिबेंचर का कॉल पेमेंट नहीं होगा ना, तो डिबेंचर फॉरफिट नहीं हो सकते, शेयर में कोई अलॉटमेंट मनी कॉल मनी पे नहीं करेगा तो शेयर का फॉरफिटर हो सकता है। डिबेंचर कैन नॉट बी फॉरफिटेड, शेयर कैन बी फॉरफिटेड। लिक्विडेशन के टाइम पहले डिबेंचर को पे करना पड़ता है, बाद में प्रेफरेंस से, बाद में इक्विटी से, इसीलिए आपको लिक्विडेशन के टाइम भी पहले किसको पे करना है? डिबेंचर को, यहाँ पे विपोर बोला है एंड यहाँ पे लास्ट बोला है। डिबेंचर में सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मनी वापिस देने ही पड़ते हैं, और सेल में एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन गेट बैक वापिस मिल जाता है, डिबेंचर में मनी वापिस मिल जाते हैं, वाइल सेल में जब लिक्विडेशन होता है तब मनी वापिस मिलते हैं, और लिक्विडेशन करने के टाइम भी पहले डिबेंचर बाद में प्रेफरेंस एंड बाद में इक्विटी से पीए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बेसिक डिफरेंस आपके ध्यान में आया ही है, डिबेंचर्स क्रेडिटर्स शेयर्स ओनर, डिबेंचर में वोटिंग राइट नहीं, शेयर में वोटिंग राइट है, डिबेंचर का इंटरेस्ट वो चार्ज है एक्सपेंस है, वाइल डिविडेंड वो एप्रोप्रिएशन है, टैक्स बेनिफिट डिबेंचर में मिलेगा शेयर में नहीं मिलेगा, पहले इंटरेस्ट बेस होगा अमाउंट बचेगा उस पर टैक्स पे किया जाएगा, बाद में डिविडेंड पे किया जाएगा। प्रॉफिट है या नहीं है डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, डिविडेंड प्रॉफिट है तो ही आपको उसका इंटरेस्ट डिविडेंड पे करना पड़ेगा, इसीलिए लिक्विडेशन के टाइम भी आप पहले किसको पे करोगे? डिबेंचर को, बाद में शेयर को। शेयर में दो ही टाइप है इक्विटी एंड प्रेफरेंस, डिबेंचर में सिक्योर अनसिक्योर कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल इरिडीमेबल रजिस्टर्ड बेयरर। तो आगे के वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के वीडियो आपको इन शॉर्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।